जय श्रीमन्नारायण। निम्नोक्त जेउ बिवरणी मु आपण मानकु देबाकु जाउछि ताहा पंडित रामानुज दास ओ श्रीमान गट्टु बेनिगोपाल स्वामी महाशयक द्वारा उल्लेखित। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय संख्या 16 श्लोक संख्या 4 दैव असुर संवाद विभाग जुग। दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यं एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदं आसुरीम वोम। गीताचार्य श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन माध्यम रे आम समस्त को दैव असुर संवाद जुगर दिग्दर्शन देउछन्ति। परमात्मा कहउछन्ति, हे अर्जुन, एपर्यंत मु ईश्वरीय गुणगुड़िक विषय उल्लेख करिछि जहाँ अभ्यास करा उचित। वर्तमान केउं गुणगुड़ी को परित्याग करिबा उचित, केउं गुणगुड़िक खराब गुण, ताहा मु संक्षेप वर्णना करुछि। शुण, एही खराब गुणगुड़िक होउछि नाम एवं ख्याति पाइबा पई दान करिबा, अहंकारी हेबा, वंश शिक्षा एवं धन पाई गर्व करिबा, अन्य मानको आघात देबा, खराब स्वभाव रखिबा, भलो लोकंक प्रति असालिनता व्यवहार करिबा, परमात्मा एवं आत्मा ये दुईटी रे पार्थक्य अनुभव न करिबा, शरीर एवं आत्मा मध्य रे पार्थक्य बरी अज्ञ रहिबा, यही सब गुणगुड़िक खराब गुण अटे। जदि कहार यही सब गुण अछि, यार अर्थ से माने परमात्मांक विरुद्ध रे अछन्ति, से माने मो विरुद्ध रे अछन्ति। यहा कहि श्रीकृष्ण परमात्मा खराब गुणगुड़िकर संक्षेप रे वर्णना करुछन्ति, जहाकु आमे सबुबले त्याग करिबा उचित। जेहेतु श्रीमन्नारायण आम भितर रहिबाकु खराब गुणगुड़िकु पसंद करन्ति नाही, ये खराब गुणगुड़ को तुरंत गोटे पर गोटे त्याग करने को चेष्टा करुवा बेले श्रीमन्नारायण पसंद करुवा गुणगुड़ी सबुब आकृष्ट होगा उचित। श्रीमन्नारायण पाइबापी आम जीवन लक्ष्य रखा, श्रीमन्नारायण पाखे आत्मसमर्पण करवा, श्रीमन्नारायण शब्द को सबुब मन रखा एवं पुनरावृत्ति करवा। जय श्रीमन्नारायण। दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थसंपदमासुरीम्। जय श्रीमन्नारायण। पवित्र ग्रंथ भगवद गीतार सार भगवान श्रीकृष्ण अध्याय 18 एवं श्लोक 65-70 रे वर्णना करिछन्ति। भगवान श्रीकृष्ण कहते से ही व्यक्ति माने मोर अति आपणार, जो माने मोर यही 8 उपदेश को मानती आउ पालन करती। मोर से ही भक्त मानू सदा सर्वदा रक्षा करे, जो माने मोर यही उपदेश को मानती एवं से मानक जीवन रे प्रतिपादित करती। भगवान श्रीकृष्ण संपूर्ण भगवत गीतार ज्ञान शुणिला परे अर्जुन कहितिले करिसे वचनम तवा, अर्थात हे श्रीकृष्ण, मु आपणकर प्रतिटि वाक्य ओ उपदेश को पालन करिबि। तार फलस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को समस्त प्रकारर विजय ओ सफलता प्रदान करथिले। आसंतु सेही परमात्मा प्रभु श्रीकृष्ण पाखे यही 8 वाक्य पालन करने प्रतिज्ञा ने आपण मैने वाक्य को मन और हृदय ध्यान करूँ। ध्यान करने समय भगवान श्रीकृष्ण
छवि को मन मंदिर रे रेखांकित करंतु। जय श्रीमन्नारायण। यह हेउची सही आठटी वाक्य जहाँ को आमे माने प्रतिज्ञा नेबा। हे श्रीमन्नारायण, आपण को निर्देश अनुसार मु सदा सर्वदा आपण को ध्यान करिबे। हे श्रीमन्नारायण, मु प्रतिटि मुहूर्त रे मो हृदय रे आपण को भक्ति अर्घ्य को प्रज्वलित करि रखिबे। हे श्रीमन्नारायण, मु मो जीवन रो समस्त कर्म आउ आपण को सेवारे नियोजित करिबे। हे श्रीमन्नारायण, आपण को प्रतिटि वाक्य और उपदेश रे मोर प्रगाढ़ विश्वास अछि आउ मु संपूर्ण भावे निज को आपण को पाखरे समर्पण करुछि। मु सदा सर्वदा मोर दुई हाथ जोड़ी आपण को श्रीपद रे प्रणिपात करुछि। हे श्रीमन्नारायण, मु सर्वदा आपण को वाक्य और उपदेश को मन मंदिर रे साहित्य रखिबी, जेमिति कि माम एकम शरणम ब्रज, अर्थात मु सर्वदा आपण को शरण रे ही रहिबी। हे श्रीमन्नारायण, आपण कहिथिबा वाक्य मा सुचा, यही वाक्य को सर्वदा मन रखिबे। आपण को आश्वासन अनुसार मु सर्वदा आपण को सत्ता को अनुभूति करिबी, ता द्वारा मु निज को भय और दुख ठारु दूर रे रखि पारिबी। हे श्रीमन्नारायण, आपण संसार रो कल्याण पई श्रीमद् भगवत भड़ी जेऊ महान ग्रंथ प्रदान करछंती, मु प्रतिदिन गोटिए श्लोक पठन करिबी अथवा सुनिबा पई प्रतिज्ञा नेउछि। हे श्रीमन्नारायण, आपण प्रतिटि मनुष्यर कल्याण पई आउ दुख को हरण करिबा पई जेऊ श्रीमद् भगवत भड़ी महान ज्ञान प्रदान करछंती तार प्रचार और प्रसार पई सदा सर्वदा चेष्टा करिबी। हे श्रीमन्नारायण, आपणक प्रतिटि वाक्य एवं उपदेशर पालन करिबा संगे संगे मु मोर दैनदिन व्यवहार रे ताहाकु प्रतिपादित करिबी। मु मो जीवनर प्रतिटि कर्म आपणक समर्पण करिबी। मो प्रभु श्रीमन्नारायणक ठारे मोर निष्ठा ओ भक्ति सर्वदा प्रज्वलित करि रखिबी। जय श्रीमन्नारायण। करिष्ये वचनम तवा। हे श्रीकृष्ण, मु आपणक प्रतिटि गीता उपदेश आउ निर्देश को मो जीवनर प्रतिटि कर्म रे संपादना करिबी ओ आपणक पाद कमल रे मोर भक्ति यज्ञ प्रदान करिबी। जय श्रीमन्नारायण। दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम्। ओम। दम्भोदर्पोभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानञ्च अभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम्। जय श्रीमन्नारायण। समस्त भक्तमानंकु एक विशेष अनुरोध। भक्तवृंद, आम जीवनरे आमे समस्त कामरे शीघ्र ओ यथार्थ फल पाइबा पाई आशा रखिथाउ। यही फल प्राप्ति करिबा पाई आसंतु प्रतिदिन गोटिए मिनिट आमे नारायण अस्त्रम पाठ करिबा किंबा शुणिबा। नारायण अस्त्रम पठन करिबा पाई दया करी www.narayanastram.org वेबसाइट कु जानतु। यही वेबसाइट रे आपण को ईमेल दे रजिस्टर करंतु। तापरे आपण माने ईमेल द्वारा एक पीडीएफ फाइल पाइबे। यही पीडीएफ फाइल रे
ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ଶ୍ଳୋକ, ଗୋଟିଏ ଗୀତା ଶ୍ଳୋକ ଓ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ନାମମ୍ ରହିଛି। ଏହି ତିନୋଟିର ମିଶ୍ରଣକୁ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମିଶ୍ରଣର ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟ 24,000 ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ କିମ୍ବା ପଠନ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ପରାୟଣ ଗୋଟିଏ ଥର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପରାୟଣ 33 ଥର, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପରାୟଣ 24 ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କଲେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଲେ ଏହା ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ଅସାଧାରଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ।